नमस्कार, न्यूज टुडे इंडिया में आप लोगों का स्वागत है। इस वक्त एक गुमशुदा होने की खबर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, 20 वर्षीय एक लड़की जिसका नाम निकी बेगम है, घर जो है वह ग्वालपुकुर थाना के अंतर्गत जैन गांव इलाके में है। परिवार के सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे निकी बेगम 20 वर्षीय लड़की अपने घर से निकली थी और तब से ही जो है उनको खोज के नहीं पा रहे हैं परिवार के लोग। काफी देर तक इंतजार करने के बाद आसपास अपने आत्मीय परिजन तथा आसपास के इलाकों में खोज खबर लेने के बाद भी अगर निकी बेगम की किसी तरह से कोई खबर नहीं आती है, उसके बाद उनके परिवार के लोग जो हैं ग्वालपुकुर थाना में लिखित जो है डायरी करते हैं गुमशुदा होने की। आप सभी को बताना चाहेंगे, नाम जो है निकी बेगम है, उम्र जो है 20 साल है और 27 अप्रैल को करीब 10 बजे अपने घर से निकली थी। उसके बाद से ही जो उनके परिवार के लोग आत्मीय परिजन उनको ढूंढ के नहीं पा रहे हैं तथा काफी चिंतित हैं। आम जनता साधारण व्यक्तियों से गुहार लगा रहे हैं कि इस नाम की कोई युवती अगर आप लोगों के आसपास दिखे या फिर आप लोगों को मिले तो अवश्य जो है परिवार के साथ संपर्क करें। लगभग एक हफ्ता बीतने को है, ग्वालपुकुर थाने में भी जो है लिखित अभियोग किया गया है गुमशुदगी की, लेकिन अभी भी जो है किसी तरह का कोई संपर्क निकी बेगम से नहीं हो पाया है, जिस कारण से परिवार के लोग काफी चिंतित हैं और इस्लामपुर महकुमा के विभिन्न क्षेत्रों में अभी भी खोजबीन जो है छानबीन जो है जारी रखे हुए हैं तथा आम जनता साधारण व्यक्तियों से गुहार लगा रहे हैं। अगर आप लोगों तक यह संदेश पहुंचता है या फिर निकी बेगम 20 वर्षीय इस युवती की किसी तरह से कोई शनाख्त हो पाती है, पहचान हो पाती है, तो अवश्य उनके परिवार द्वारा जो नंबर दिया गया है उन नंबर से आप लोग संपर्क करें। आपको एक बार नंबर बताना चाहेंगे, अवश्य जो है नोट कर लीजिएगा, 6282174345। एक बार फिर से बोलेंगे, जो 6282174345 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें, अन्यथा और एक नंबर है 8918383779। एक बार फिर से बोलेंगे, 8918383779 इस नंबर पे आप लोग संपर्क करना चाहे तो कर सकते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे, एक गुमशुदा होने की खबर इस वक्त लेकर आए हैं। घटना जो है वह ग्वालपुकुर थाना के अंतर्गत जैन गांव इलाके की है, जहां की एक 20 वर्षीय युवती लड़की जो है 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे से ही गायब है। अपने घर से जो है वह 10 बजे निकली थी तथा उसके बाद से ही जो है उनको ढूंढ के नहीं पा रहे हैं परिवार के लोग। आत्मीय परिजन आसपास के गांव आसपास के इलाकों में लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उस लड़की का किसी तरह से कोई खोज खबर नहीं मिलने के कारण परिवार के लोग जो है ग्वालपुकुर थाने में गुमशुदा होने की जो है लिखित अभियोग करते हैं तथा अभी भी जो है परिवार के लोग एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद जो है किसी तरह से इस युवती को तलाश नहीं कर पाए हैं और काफी चिंतित हैं। आम जनता साधारण व्यक्तियों से गुहार लगा रहे हैं कि निकी बेगम नाम की कोई युवती अगर आपके आसपास दिखाई दे तो अवश्य जो है यह जो दो नंबर दिया गया है उस नंबर पर संपर्क करें। साथ ही साथ अगर यह रिपोर्ट यह संवाद अगर निकी बेगम तक भी जाती है तो अवश्य जो है अपने परिवार के साथ संपर्क करें, अन्यथा उनके परिवार के लोग जो हैं काफी चिंतित हैं, आशा लगाए हुए हैं कि किसी तरह से जो है निकी बेगम वापस अपने घर आए, अपने आत्मीय परिजन विभिन्न जो थाने हैं विभिन्न जो जिले हैं रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड हर जगह पर जो है लगातार परिवार के लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है एक हफ्ता बीत जाने के बावजूद जो है निकी बेगम को किसी तरह से कोई उनके पास किसी तरह का कोई खबर नहीं जा रहा है, जिस कारण से परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। आप लोगों तक यह अगर संवाद पहुंचती है तो अवश्य इस नाम की कोई युवती अगर आपके आसपास दिखाई दे, अगर आपके संपर्क में आए तो उनके परिवार के साथ अवश्य जो है संपर्क कीजिएगा। थंबनेल पे हम लोगों का जो है उन लोगों का नंबर दिया हुआ है, साथ ही साथ इस संवाद में फोन नंबर दिया हुआ है, उस फोन नंबर से संपर्क करके उनके परिवार को जानकारी दे। जुड़े रहिए इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर न्यूज अपडेट इंफॉर्मेशन जानने के लिए सबसे पहले और सबसे तेज न्यूज टुडे इंडिया के साथ।